हेलो वेलकम टू चैनल तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे आई थिंक ये का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है फ्री एनर्जी पे ओके okay? तो देखिए होता क्या है ना फ्री एनर्जी इट्स कैलकुलेशन में क्या है आपको अगर डायरेक्ट फ्री एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है देन आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्री एनर्जी में आपको दो टाइप की एनर्जी पढ़नी होती है एक होता है ये हेलमोर्स फ्री एनर्जी दूसरा होता है गिप्स फ्री एनर्जी ओके okay? तो देखिए होगा क्या अगर आपसे फ्री एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए लेकिन क्या होता है आपको पर्टिकुलरली भी पूछा जाता है यानी कि आपको पूछ लिया जाए हेलमेट फ्री एनर्जी के बारे में आपको डिफाइन करना है यानी कि इसका डेरिवेशन दिखाना है या फिर आपको गिफ्ट फ्री एनर्जी के बारे में बताना है ओके तो क्या हम दोनों चीजों को कवर करेंगे आज की वीडियो पे हम लोग फर्स्ट टाइप की जो फ्री एनर्जी हमने पढ़ी है जो है हेलमेट फ्री एनर्जी इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पे पढ़ेंगे इसका चेंज क्या होता है यानी कि अगर आप स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में गए देन इस पर आपको जो हेलमेट फ्री एनर्जी में चेंज जाएगा वो क्या होगा देन आप ये भी पढ़ेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वैल्यू वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर भी इनकी वैल्यू यानी कि इनकी इक्वेशन क्या निकलेगी ओके okay? तो सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे बट आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना है ओके okay? तो हम देख रहे हैं इसका डेरिवेशन तो देखिए मैंने डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि आपको क्या पता होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए फॉर्मूले अगर आपको याद है तो डेरिवेशन आप चुटकी में करेंगे क्योंकि डेरिवेशन में क्या होता है दो इक्वेशन को कोरिलेट करके एक इक्वेशन बनाते हैं यहाँ भी हम दो इक्वेशन को कोरिलेट करके एक इक्वेशन बनाते हैं देन इन दोनों को कोरिलेट करके फाइनल इक्वेशन बनाते हैं ऐसे कुछ नेट मतलब जाल जैसा हमारा कुछ बन जाता है ओके तो यहां भी मैं आपको क्या चीजों को याद कराते हुए ट्राई करूंगी कि आपको चीजें याद हो जाए ओके तो सिंपली पहली चीज ये देख लीजिए कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है हेलमेंट है फ्री एनर्जी को आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे ओके अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन ठीक है तो ध्यान से देखना तो ये बोल रहा है सबसे पहली क्वेश्चन आपने लेनी है थर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स आपको पता होगा dq क्यू इज इक टू होता है du यू प्लस डी तो आपकी पहली इक्वेशन आपको ये मिल गई ओके तो ये आपको याद होना चाहिए आप इसको इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना एक क्वेश्चन तो आपको याद होनी चाहिए दूसरे ये क्वेश्चन क्या है डी क्यू इज इकल टू टी डी एस अब ये इक्वेशन कहां से आई याद कीजिए जब हमने एनथेल्पी पढ़ी थी एनथेल्पी को हमने कैसे निकालना था जब हमारा डी एस इज इकल टू क्या होता था डी क्यू इज डिवाइडेड बाई टी ओके ये कहाँ से होता था एनथेल्पी के जब हम लोग पढ़ते थे ठीक है तो पे भी हमने सेपरेट वीडियो पे बात की है तो देखिए यहाँ पर से आप DQ की वैल्यू निकाल सकते हैं इज़ क्यू टू क्या हो सकता है टी डी एस यानी कि आप इस टी को ऊपर ले लीजिए और इसके आगे DS लगा दीजिए इज़ टू क्या हो जाएगा DQ हो जाएगा ओके okay, तो यहां से आपने निकाल दिया ये इक्वेशन यानी कि ये दो फर्स्ट इक्वेशन होगी या आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी अब इन दोनों को क्या करना है कोरिलेट करना है तो कोरिलेट करेंगे तो कोरिलेट कैसे हो रहा है आप देखिए यहाँ पे DQ है यहाँ भी DQ है तो आप क्या कीजिए कि इस DQ के वैल्यू को या मतलब इस dq की जो ये वैल्यू है टीडीएस इसको पुट कर लीजिए पहले इक्वेशन में तो अगर आप इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी टी डी एस यानी कि यहाँ आ गया इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू हो गया ना ये इक्वेशन तो बस आपने पहला स्टेप में आपको आपको यही चीज करनी है है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और दूसरा क्या पहलापी की इक्वेशन को याद करना है इन दोनों को कोरिलेट करके ये इक्वेशन बना दीजिए फाइनल इतनी चीज क्लियर हुई अब आपने कुछ नहीं करना है अब आपने क्या करना है इसको सिंपल करते हुए जाना है. जैसे ये इक्वेशन आपको मिली अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने डी डब्ल्यू को ऊपर ले लिया मतलब आगे ले लिया और इनको पीछे कर लिया यानी कि जब ये डी डब्ल्यू को आपने यहाँ लिया है इसको डी यू को आप यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस की फॉर्म में आएगा क्योंकि ये यह प्लस में यहां जाके ये माइनस में आ जाएगा डी यू तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टीडीएस माइनस डी यू इतनी चीज क्लियर है अब इसे आप और सिंपल कर सकते हैं कैसे सिंपल कर सकते हैं आपने क्या कर दिया इसको कुछ ऐसे लिख दिया कि ये तो ठीक है यहाँ आपने इस माइनस साइन को आगे ले लिया क्यों अगर आपने इस माइनस साइन को आगे ले लिया और लिख दिया डी यू माइनस टीडीएस अब देखो ये दोनों इक्वेशन दोनों सेम है कैसे सेम है यहाँ पर जो ये माइनस साइन है ना माइनस साइन है ये किसके लिए दिखा रहा है डी के लिए दिखा रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट है इसका मतलब इन दोनों के लिए माइनस साइन है तो पहले ये डी के लिए तो चलो ठीक हो गया क्योंकि यहाँ भी डी माइनस में यहाँ भी डी माइनस में अब यहाँ देखिए यहाँ पे टीडीएस के आगे माइनस लगाए क्यों क्योंकि अगर यहाँ प्लस हम लगाते तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है इसलिए हमने यहाँ पर को लगाया माइनस क्योंकि यहां पर को जो टीडीएस है वो कौन से फॉर्म में प्लस फॉर्म में तो आपने क्या करना है माइनस और ये हो गया माइनस यानी कि माइनस माइनस हो गया ओवर और प्लस तो ये दोनों इक्वेशन क्या, क्या होगी बैलेंस होगी यानी कि दोनों सेम है ओके इतनी चीज क्लियर है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अब आपने क्या करना है देखो इस डी को ले लेना है कॉमन आपने डी को कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया यू माइनस टी हो गया क्योंकि डी तो बाहर आ गया ठीक है एक और इक्वेशन ये बन गई अब आप यहाँ पर को देखेंगे अगर आपको पता है हेलमट्स जो कॉन्स्टेंट है मतलब की हेलमट फ्री एनर्जी जो है ये इसकी इक्वेशन होती है एज टू यू प्लस टी एस और यहाँ पर आप देखेंगे यू माइनस टी एस है तो आप इसको क्या कर सकते हैं माइनस ए लिखेंगे तो माइनस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस टी एस हो जाएगा इतनी चीज क्लियर है तो आपने क्या कर लिया यू माइनस टी एस के बदले यहाँ पर को ले लिया माइनस ए तो ये बन गया टी मतलब माइनस डी एके तो आपकी ये इक्वेशन निकल गई और ये है आपकी फाइनल इक्वेशन इतनी चीज क्लियर है तो आपने यहाँ पर को सिर्फ दो इक्वेशन का, का यूज करके क्या कर अपनी फाइनल इक्वेशन निकाल देनी इतनी चीज क्लियर है इतनी चीज आई ना समझ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये तो आपकी हेलमेट फ्री एनर्जी आपने निकाल ली ओके देन आपने क्या करना है आगे बढ़ना है और इस पर निकालना है चेंज यानी कि चेंज कितना आएगा ठीक है हेलमेट फ्री एनर्जी में चेंज की बात कर रहा है अब बोलो देखो यहाँ पर लिखा है ए जो है ए को आप हेलमेट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं और इसको एक और टर्म से जाना जाता है वो होता है वर्क फंक्शन ओके इसे आप वर्क फंक्शन भी बोलते

Entropy. entropy. Meaning of entropy. A thermodynamic quantity representing the unavailability of a system's thermal energy for conversion into mechanical work, often interpreted as the degree of disorder or randomness in the system. और एस क्या दिखा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है एंट्रोपी तो आपने इसे ले लिया एस वन ओके अब देखिए वैसे ही आपने दूसरे स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट पर जब आप गए तो आपका ए यानी कि जो वर्क फंक्शन है वो क्या हो जाएगा ए टू और एंट्रोपी हो जाएगी एस टू और इंटरनल एनर्जी हो जाएगी यू टू ओके तो हम ये मान रहे हैं ठीक है, है? एक्चुअल में ये होगी नहीं कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हम बस चेंज निकाल रहे हैं कि सपोज

ओके okay, तो अगर आप यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा वैल्यू की जगह क्या होगा ए की जगह आ जाएगा ए वन यू वन की यू के बदले आ जाएगा यू वन और यहाँ पर हो जाएगा टी एस वन ओके टी तो कांस्टेंट है मतलब तो टी तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पर टी हमारा कांस्टेंट है टेम्परेचर जो पहले था वही टेम्परेचर बाद में यानी कि टेम्परेचर टी से ही रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर को भी क्या हो जाएगा ए टू इज टू यू टू माइनस टी एस टू ओके इतनी चीज क्लियर हो रही ना इसे बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है इतना क्लियर हुआ ओके अब आपने क्या करना है चेंज निकालना है अब हमको चेंज निकालना होता है जैसे इनिशियल में सपोज आपके पास वॉल्यूम है सॉरी वी वन होगा फाइनल पे वॉल्यूम आपका वी टू है तो अब हमें चेंज निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं यानी कि डेल्टा वी जब हमने चेंज निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं तो यहां भी हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे ओके तो अगर हम लोगों ने माइनस किया तो क्या होगा यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड से आपने इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा ए टू माइनस एवं तो मैं इसको रब करके लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ओके मिनट बस तो देखिए क्या होगा पर आपने इसे माइनस किया तो ये हो जाएगा ए टू माइनस एवन इतनी चीज क्लियर है दूसरा हो जाएगा यू टू माइनस यू वन ओके अब यहाँ पर को क्या होगा माइनस का साइन लगेगा आप देखो टी आपका कॉन्स्टेंट है तो हम टी को बाहर ले लेते हैं और ये लिख देंगे एस टू माइनस एस वन ओके तो ये क्या हो जाएगा डी ए टू माइनस एवन यानी कि डेल्टा ए इजिकल टू यू टू माइनस यून यानी कि डेल्टा यू माइनस टी बाहर आ गया और एस टू माइनस एस वन यानी कि डेल्टा एस तो ये जो इक्वेशन बनी यानी कि डेल्टा ए यानी कि क्या हो गया डेल्टा ए मतलब क्या हो जाता है चेंज की बात कर रहे हैं डेल्टा मतलब कि चेंज हो गया चेंज इन आप बोल सकते हैं वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन या फिर हेलमेट फ्री एनर्जी में जो चेंज है उसको आपने क्या निकालना है सिंपली ऐसे निकालना है सिंपल था ना बहुत सिंपल है ठीक है इतनी चीज क्लियर हुई अब हमने देखना है ये अब यहाँ पर को लिखा भी है देखिए डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई e माइनस टी डी एस जो इक्वेशन हमने यहां निकाली है अब देखिए जो डेल्टा ई e है ये भी आप इंटरनल एनर्जी बोलते हैं डेल्टा यू को भी आप इंटरनल एनर्जी बोलते हैं तो आप इसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा इक्वेशन जो आपकी जो आएगी इक्वेशन सपोज ये सिक्स इक्वेशन आई तो इक्वेशन सिक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन हेलमेंट फ्री एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर को हमने टेम्परेचर में कोई भी डेल्टा नहीं लगाया क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा क्या है कांस्टेंट है ओके okay? तो और ये बोल रहा है कि जो ये ए है जिसे आप वर्क फंक्शन बोल रहे हैं ये एक टाइप की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है इतनी चीज क्लियर हुई अब मैंने क्या बताया इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमने इसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे लेना है या फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे लेना है तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी तो यहाँ लिखा है वेरिएशन ऑफ ए यानी कि वर्क फंक्शन का वेरिएशन विद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ओके तो ये भी सिंपल है आपने क्या करना है देखो जैसे लिखा है वी नो दैट हमको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है यू माइनस टी एस होता है ओके okay? तो लिखा है ऑन डिफरेंशिएटिंग अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें ठीक है जब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा अब आपको मैंने पहले भी बताया था हीट थ्योरम जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे देख रहे थे तो वहां भी मैंने आपको बताया था जब हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम सीधे क्या लगा देते हैं इनके आगे लगा देते हैं डी तो आपने इसके आगे लगा देना डी इसके आगे लगा देना डी अब टीडीएस है यानी कि टीएस या है तो टीएस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे एक बार आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर लीजिए और यहाँ पर एंट्रोपी को डिफरेंशिएट किया यानी कि टी डीएस हो गया एक बार आप ये एंट्रोपी को कॉन्स्टेंट लीजिए यानी कि ये एस बाहर आ गया और डी को यानी कि जो टी है इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया डी टी तो आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे टीडीएस और एस डी टी तो देखो टीडीएस और एस डी टी ओके तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा सब में क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ठीक है तो ये ट करके ये होगी। अब बोल रहा है from the first lab, अभी भी रहे हैं dQ to dU plus Pdv होता है और और के ये होता है। है है अब आपने क्या करना देखिए पर पर लिखा लिखा dQ भी है dQ, ओके okay? तो अगर यहाँ पर dQ dQ है तो आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं यानी कि ये होगा देखिए यहां पर ये du लिखा है ठीक है तो ये du के बदले क्या हो सकता है यहां पर आप du की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो गया आपका टी डी एस माइनस पी डीवी यहाँ से ये इक्वेशन निकली समझ में आ रहा है ना आपने क्या करना है इन दोनों से एक और इक्वेशन निकालनी है ये यानी कि du की वैल्यू आपने निकाली इस du की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो इक्वेशन जो सेकंड थी वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए da ये तो ही है बट यहां पर डीयू के बदले अब आपने क्या लिखना है टीडीएस माइनस पीडीवी तो आपने लिख दिया माइनस इतनी चीज क्लियर हो रही ना और आगे की चीजें सेम है यानी की टीडीएस माइनस एस डी डी यानी कि टीडीएस माइनस एस टी डी इतनी चीज क्लियर हुई हमने क्या किया एक बार मैं इरेज करके वापस से आपको बताती हूं हमने किया ये कि वेट देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर को आपने पहले तो ये आपकी इक्वेशन निकल गई वर्क फंक्शन यानी कि वर्क फंक्शन से आपने ये डिफ्रेंशिएट करके ये इक्वेशन निकाली अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा गजर बजर पड़े, क्योंकि डेरिवेशन मतलब यही होगा ये यह क्या करते हैं कोई भी इक्वेशन को मिक्स करके अपनी इक्वेशन निकाल देता है तो आपने यहाँ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक और एंट्रोपी का यूज करके इन दोनों को कोरिलेट करना है जब आप इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आपको डीक्यू की वैल्यू मिलगी यानी कि टी डी एस तो आपने इस डीक्यू की वैल्यू टीडीएस को यहाँ फिट किया तो ये हो गया टीडीएस इजिकर टू डी यू प्लस पी डीवी ओके अब आप देखो यहां पर को क्या है ना TDS है टी डी एस की वैल्यू ये तो पुट नहीं कर सकते आपने क्या किया है डी यू की वैल्यू निकाली यहाँ से ये ओके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो DU इजिकर टू क्या हो जाएगा TDS माइनस क्या हो जाएगा पीडीवी अब आप इस डीओ की वैल्यू को यहाँ फुट कर देंगे तो आपकी ये क्वेश्चन बनेंगे यानी कि टीडीएस माइनस पीडीवी यहाँ से लगा और ये ऊपर वाली होगी अब आप देखिए आप इस टीडीएस यहाँ पर कोई प्लस में यहाँ पर माइनस में तो ये दोनों कट गए अब आपके पास क्या बचा डीए इज इक्वल टू पीडीवी माइनस एस टी डी ओके ये इक्वेशन बनी अब आपने इस पर क्या करना है जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेंगे जैसे पहले आपने क्या लिया, लिया है तो यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है, है इसको आप क्या कर लीजिए जीरो ये constant है, तो DV क्या हो गया? जीरो हो गया तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्या होगी डी यू मतलब सॉरी डी ए इज इकल टू क्या हो जाएगा माइनस एस डी डी क्योंकि ये जीरो है तो पी इसके साथ पी है तो पी क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये भी जीरो यानी कि ओवरऑल ये पूरा क्या हो जाएगा आपका जीरो तो ये हो जाएगा डी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस एस डी टी डी टू माइनस एस डी टी अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अब पार्शियल मोलर पे आप ये पढ़ेंगे आप क्या कर सकते हैं इसे डीए ये है अपॉन में आप क्या दे दीजिए डी टी ले दीजिए ये आपने क्या कर दिया इसे नीचे दे दिया यानी कि डीए अपॉन क्या हो गया डी टी और ये हो गया इज इक्वल टू माइनस एस अब यहाँ पर को आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर को आप नीचे पे लिखेंगे वॉल्यूम इसका मतलब है आपका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन ऐसी निकलगी यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका वर्क फंक्शन कुछ ऐसा निकलेगा ओके okay? तो ये जो क्वेश्चन फोर्थ है ये रिप्रेजेंट करती है वेरिएशन ऑफ ए यानी कि वर्क फंक्शन में जो वेरिएशन आ रहा है विद विदेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका वर्क फंक्शन है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा अगर हम यहाँ को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हुआ तो आपको क्या मिलेगा कांस्टेंट टेंपरेचर पे आपने क्या करना है ये तो सेम रहेगा यहाँ पर को dt जो है वो आपका 0 हो गया तो आपका sdT यानी कि पूरा इक्वेशन आपका हो जाएगा 0 तो आपके पास क्या बचा da pdv तो यहाँ पर देखिए ये था आपके पास da pdv अब आपने क्या करना है इसको यानी कि इसको यानी कि ये जो ये dv है इसको निकाल देना है नीचे यानी कि da ये क्या हो जाएगा da dv हो जाएगा -p अब आपका कॉन्स्टेंट क्या है टेम्परेचर तो आपने नीचे लगा देना है टी तो ये कुछ इक्वेशन सेम है तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी इतनी चीज क्लियर हो रही जो आपका कॉन्स्टेंट है आप उसे नीचे दिखाएंगे तले पे, यहाँ पर को ओके इसका मतलब होता है जब आप पार्शियल मोल पढ़ेंगे तो वहां आपको यही चीज बार बार करनी है ये जो कांस्टेंट होता है उसे आप नीचे दिखाते हैं इतनी चीज क्लियर हुई तो ये हो गया ये जो इक्वेशन है ये किसके वर्क फंक्शन की इक्वेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जब आप इसका कॉन्स्टेंट रख देंगे इतनी चीज क्लियर हो रही ना मैं फास्ट तो नहीं चल रही तो देखिए तो चीज समझ में आए ना तो आपने फ्री एनर्जी का जो हेलम हो फ्री एनर्जी है उसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है पहले आप उसकी इक्वेशन निकालेंगे देन उस पर चेंज निकालेंगे और चेंज के साथ साथ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी देखेंगे ओके तो यहाँ पर को ये पूरा टॉपिक कवर होता है ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग गिफ्ट फ्री एनर्जी पे बात करेंगे ठीक है तो ये जो मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक इसका शेयर कर दूंगी और कमेंट सेक्शन पे भी कर दूंगी ओके okay? तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज कर देना मुझे ठीक है क्योंकि मटेरियल आपके लिए और आप तक पहुंचाना जरूरी है ओके okay? तो यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और एमएससी बी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कीजिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपको सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगी ओके तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं चीजों को समझते हुए चलना चीजों को रटना नहीं ठीक है तो वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय